हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 डिग्री इफ वाईओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा है एंगल एक्स की वैल्यू 62 है। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ मतलब ये ओ पॉइंट है, ठीक है, वाई ओ ये लाइन और जेड ओ मतलब ये लाइन, दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक ही बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, मतलब बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को, किसी भी लाइन को, एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें बोला है बाइसेक्टर किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड ये एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ओ वाई या वाई ओ। ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, एंगल वाई को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एंगल जेड जेड ओ किसका बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर क्या है, ओ जेड, मतलब इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है कौन, ओ जेड। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड ओ जेड वाई मतलब ओ जेड वाई मतलब हमें ये फाइंड करना है, और क्या बोला है, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें क्वेश्चंस, फिर हमें जो जो गिवन है हम लिख लेंगे। गिवन क्या क्या गिवन है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है, ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ, ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, एंड ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। ओ जेड किसका बाइसेक्टर है, एंगल जेड का। ठीक है, अब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई, ठीक है, एंड एंगल वाई ओ जेड, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये और ये, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ये, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये बताता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सबको पता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट सबको पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है इसमें, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है, 62, तो हम एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एंगल वाई की वैल्यू दी है 54 डिग्री, और एंगल जेड हमें फाइंड करना है इसलिए वही रहने देंगे। और स्टूडेंट्स हमें पता है, हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसको अकेला कर देते हैं। ठीक है, इसको अलोन कर देंगे, तो यहाँ से जितनी सारी चीज़ें हैं उनको हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो -54 हो जाएगा और -62, एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी स्टूडेंट्स, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आएगी, एंगल जेड की 180 में से इनको, इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे, जो कि होगा 116, तो एंगल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 464। ठीक है, एंगल जेड की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि
एंगल ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ, ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, एंगल जेड का बाइसेक्टर है ना हमारा ओ जेड, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफोर एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब इस एंगल की वैल्यू ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जेड, ठीक है। एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32, डेट मीन्स 32 डिग्री। ओ जेड वाई की वैल्यू क्या आ गई, 32 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल, ये निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, अगर हम ये एंगल भी निकाल लेते हैं तो हम इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा ये एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल कैसे होगा, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, मतलब एंगल वाई जेड एक्स वाई जेड मतलब एंगल वाई 54 डिग्री है, और एंगल ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, क्यों, क्योंकि ओ वाई क्या है, बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का। तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डेट मीन्स 27 डिग्री, ठीक है। अब ये भी निकल गया, हमें कौन सा निकालना है, ये एंगल। अब अगर हम ये देखें सिर्फ ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड मतलब ये एंगल, ओ जेड वाई मतलब ये एंगल, अब एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू क्या निकाली हमने, 27 डिग्री, और ओ जेड वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने, 32 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 = 559 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59, डेट मीन्स 121